नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 FM। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चंचल। आइए हम आपको लेके चलते हैं बचपन की उन यादों में जहां आपने अपने सबसे सुनहरे पल गुजारे हैं। लगातार व्यस्तता के कारण आप अपनी उस जिंदगी को भूल गए हैं। हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से उस बीते हुए पलों में लेके चलेंगे जहाँ आप अपनी सारी थकान, सारी परेशानियाँ भूल जाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ हमारे नए शो यादें बचपन की में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं संजय सिंह। हेलो, आपका 91.2 FM में स्वागत है संजय जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं और आप एक बात करके और भी अच्छे हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा? सही मायने में तो बचपन जो जिया जाता है ना, तो वो एक्चुअली में हम लोगों ने ही जिया हुआ है। आजकल के बच्चों का क्या है, ये फोन में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, तो उनको किसी खेल से नहीं, किसी मस्ती से मतलब नहीं होता, किसी से घूमने फिरने से मतलब नहीं होता है। असली मायने में हमारा जो हमने जो जिया है जिंदगी बचपन की, वही जिंदगी थी मुझे ये लगता है। क्योंकि 90 के दशक में ना फोन था, टीवी मतलब बहुत कम के घर पे होता था, तो हम ऐसे मतलब मस्ती ही करते थे पूरे टाइम पे। तो जैसे बिल्कुल पढ़ाई का भी एक हमने जैसे होता था कि जैसे पढ़ाई के लिए बहुत प्रेशर होता था, होता है लोग, तो उस टाइम पे हमारा इतना ही हमारा पूरा टाइम मस्ती में ही बीता हुआ है। अच्छा, बचपन को आपने पूरी मस्ती में जिया है? पूरी मस्ती करते थे हम लोग। पढ़ाई का एक हमने एक टाइम फिक्स कर रखा था कि शाम को पढ़ना है, चाहे कितनी छुट्टी हो, चाहे कितना भी प्रेशर हो, कितना भी काम हो, नहीं, हमने अपने टाइम फिक्स कर रखा था मैं शाम को पढ़ना है, उसके बाद पूरा दिन मस्ती करते रहते थे। अच्छा, कोई ऐसा बचपन का किस्सा बताएं जो आपको आज भी आपकी यादों में तरोताजा हो? ऐसे तो चंचल जी बहुत सारी बातें हैं, पर एक छोटी सी कोई खास, कोई खास जो हो आपको आज भी उसको सोचने के बाद आपके चेहरे पर बरबस ही हंसी आने लगती हो? क्या हुआ था कि हम जैसे उत्तराखंड से हूँ, तो मेरे इधर गांव में हम लोग बहुत दूर दूर तक चले जाया करते थे, मतलब घूमने के लिए। बच्चे मतलब किसी बड़ों की जरूरत नहीं होती थी हमारे साथ में चलने के लिए। तो ये गांव में मतलब किसी खेत में चले गए, तो हम क्या करते थे, मैं किसी सिलसिले में अपने पापा के साथ दिल्ली आया हुआ था, तो हम छुपन छुपाई खेलते थे घर पे। तो वही आदत थी हमें घूमने की, वही मतलब खेल खेलने की। तो मुझे लगा यहाँ भी ऐसे खेलते होंगे, तो बच्चों के साथ मैं खेल रहा था यहाँ दिल्ली के बच्चों के साथ। अब दिल्ली के बच्चे ये थे कि भैया अपने पेरेंट्स के बिना इधर उधर जाते नहीं थे। तो क्या हुआ कि मैं छुपन छुपाई खेलते खेलते ऐसे एक जगह छिप गया कि सारे बच्चे ढूंढते रह गए, मेरे को कोई नहीं मिला। लास्ट में क्या हुआ, मेरे घर पे आ गए सारे बच्चे की आंटी, आंटी वो आपका लड़का तो पता नहीं कहाँ चला गया, एक घंटे से हम घूम रहे हमें मिल ही नहीं रहे। तो मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, मतलब इसको तो पता ही नहीं है दिल्ली में कि कहाँ क्या जाना है। वो भी पूरा घूमते रहे। अच्छा, ताजुब की बात यह है कि मैं 4 से 5 घंटे तक वहीं छिपा रहा, मुझे लगा ढूंढते रहेंगे। अच्छा। लास्ट में मतलब ये नौबत आ गई थी कि उनको ये लगा कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, आपकी लड़का कहीं। अच्छा, इतनी नौबत आ गई थी? इतनी नौबत आ गई थी, लास्ट में जैसे ही वो मतलब चाबी लगा के निकल देते घर के बाहर, इतने में आ गया। अच्छा। उसके बाद अब घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था, इसको डांटू या इसको प्यार करूँ, क्या करूँ। तो अब भी जब भी छुपन छुपाई कहीं भी मैं देखता हूँ, मतलब मुझे वो दिन हमेशा याद आ जाता है कि मतलब मेरी छुपन छुपाई ऐसी हुई थी। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट हो आपके साथ जो आपके दोस्तों के साथ आपने खूब मस्ती की हो, आज भी उस मस्ती को आप मिस करते हो, तो कोई ऐसा किस्सा आप हमारे साथ शेयर करें? मस्त जब हम करते ही रहते थे, क्या था कि बचपन में दोस्त था एक, वो क्या करता था कि किसी को कोई मिले ना, उसकी चूटी काट देता था, उसके हाथ मरोड़ देता था। अच्छा। किसी को गोसा मार देता था, तो मैं बहुत परेशान हुआ था उसको, तो मेरे अचानक से दिमाग में आया कि इसको ना सबक सिखाना है। अच्छा। तो वो ऐसे कर रहा था, उसने हल्का सा गोसा मारा और मैंने ऐसी एक्टिंग कर ली कि मेरे को ज्यादा लग गई। अच्छा। और मैं वहीं गिर पड़ा स्कूल में था। अच्छा। तो वो मेरे को जगाता रहा, गुदगुदी करता रहा, चिल्लाता रहा, पानी भी फेंका, मैं कुछ छूटा ही नहीं। लास्ट में जब उसको लगा ना कि अब मतलब मुझे लगता है कि ये बेहोश हो गया, ये कुछ ज्यादा ही मामला खराब हो गया। हाँ। तब वो प्रिंसिपल के पास जाने लग गया। हाँ। तो जैसे जाने लग गया ना रोते रोते, तब मैं उठ गया। उसके बाद मैं उसकी आदत छोड़ गया, और आज भी मिलता ना मुझे तो कहता यार तूने मेरी वो आदत सुधार दी। अच्छा, तो मतलब पूरी जिंदगी की जो यादें हैं आपकी, बचपन के जो यादें रही हैं, वो बड़ी ही इंटरेस्टेड रही हैं। बहुत
बहुत बहुत मुझे अब भी याद आता है ना, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्या था कि मैं किसी को अगर देखा कि गलत मतलब इसको सबक सिखाना है तो मैं उसको सबक जरूर सिखाता था। अच्छा, तो मतलब आपका बचपन बहुत ही आनंदमय गुजरा है। बहुत बहुत आनंदमय। तो आपको क्या लगता है कि फिर से एक बार उन यादों में वापस जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि अब कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ना कि कंट्रोल, अगर वो कमांड अगर जिंदगी का होना तो मैं बचपन में जाना चाहता हूँ कि मैं तो वही जिंदगी जीना चाहता हूँ, ना कोई ये टेंशन जॉब की या जो भी माहौल। तो मेरे को ना बचपन में बिल्कुल किसी को फिक्र नहीं, अपने मस्ती में जो कपड़े पहने तो पहने, ना पहने तो ना पहने, ऐसे घूमते रहो, किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस अपने खेल और अपने मस्ती से मतलब हो। अच्छा, एक चीज आपने बड़ी अच्छी बताई कि शहरों के बच्चों में और गांवों के बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप आज अच्छे एक बड़े अखबार में, प्रतिष्ठित अखबार में डेस्क पर हैं और जॉब भी आपकी बहुत अच्छी है, तो कैसा माहौल आपको लगता है कि शहरों का माहौल और गांवों के माहौल के बच्चों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है? देखो, डिफरेंस बहुत होता है। अब मेरे हिसाब से अगर डिफरेंस अगर पढ़ाई का किया जाए तो उसमें तो बहुत अंतर बैठा है। गांव के बच्चे थोड़ा सा ना वीक रह जाते हैं पढ़ने में, कमजोर रह जाते हैं। शहर के बच्चे सिर्फ पढ़ाई में आगे रहते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि वो गांव के बच्चों से ज्यादा आगे बढ़ पाते हों या आगे हों। अब तो खैर गांव के बच्चे भी धीरे धीरे उनको टक्कर देने लगे पढ़ाई के मामले में, बाकी कोई भी मामला दिखता है, कोई मेहनत देखो, संस्कार देख लो, खेलना देख लो, कुछ भी देख लो। हाँ। बहुत अंतर है अब भी। अच्छा, शहर के बच्चों में देख लो, नहीं मम्मी हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, हम ये नहीं कर रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमारा मतलब गाँव के बच्चों में क्या होता था, ये चाहिए नहीं है, तो अगर बच्चे ने जिद गए तो माँ उसको मार के चुप कर देती थी। अब दिल यहाँ क्या है शहरों में, सही कह रहा है, सही कह रहा है, उल्टा मतलब मम्मी पापा डरते हैं कि यार ये नाराज हो जाएगा तो खाना नहीं खाएगा। हाँ। तो बहुत अंतर है मतलब गाँव के, अब भी थोड़ा थोड़ा सा कम होने लग गया, जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब भी जो प्रॉपर उसको गाँव बोला जाए वहाँ भी बहुत अंतर है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत अच्छी अपनी बचपन की यादों को हमारे साथ शेयर किया, और हम उम्मीद करेंगे कि अगर आपको फिर से दोबारा इस तरीके की जिंदगी जीने का मौका मिले तो आप जरूर इस तरीके की जिंदगी जिये। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, मैं बिल्कुल जीना चाहता हूँ बचपन की जिंदगी, मैं ये दौड़ धूप की जिंदगी से मतलब ऐसा लगता है ऊब चुका हूँ शहरों से, अब मैं दोबारा गाँव की जिंदगी में जाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है, जा नहीं पाऊंगा मैं तो। जी जी, धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद। ओके। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जू आधा आधा जवानी। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुह कुह गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं, यही घर अपना बनाने को पंच करे देखो तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जाएगा फिर कैसे,
झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे ऐसा कहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जुआदा, आधा जवारे आधा जवारे। धुन में मगन बोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे और तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सारा चंद्रमा जुआदा, आधा जवारे। हेलो हेलो निखिल जी। जी चंचल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया चंचल जी, आप बताइए। 91.2 FM में स्वागत है आपका निखिल जी। चंचल जी धन्यवाद। निखिल जी, हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, यादें बचपन की। जी चंचल जी, तो चलिए आइए हम आपको लेके चलते हैं आपके बचपन की यादों में। जी चंचल जी, सबसे पहले निखिल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैसा रहा आपका बचपन? बचपन चंचल जी बहुत बहुत बढ़िया रहा, बहुत बचपन बहुत बढ़िया रहा, बचपन माय चाइल्डहुड लाइफ इज गोल्डन लाइफ, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बचपन का ऐसा किस्सा निखिल जी बताएंगे जो आपको आज भी बहुत गुदगुदाता हो या आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ हो? बचपन का चंचल जी एक किस्से तो नहीं, अनेकों किस्से हैं हमारे तो, लेकिन एक सबसे जो बढ़िया किस्सा है, जो हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल जाते टाइम में, स्कूल पहुंचते टाइम में जब बंक पे जाते थे, तो उस टाइम नया नया पायल का, जो पायल का बाजार दिल्ली के अंदर है कनॉट प्लेस में, वहाँ पे हम लोग जाते थे बंक पे, बहुत मजा आता था बहुत। अच्छा, तो आप स्कूल बंक भी करते थे क्या? बंक करते थे मतलब कभी कभी, सम टाइम्स कभी कभी करते थे। अच्छा, कभी बंक करते हुए पकड़े नहीं गए? पकड़े गए, स्कूल में पिटाई भी होती थी, लेकिन अच्छा लगता था दोस्तों के साथ बंक करना। कभी कभी सैटरडे सैटरडे को हम लोग करते थे, मतलब सिक्स डे में वन डे हम लोग जो है ना बंक मारते थे। अच्छा, मतलब हफ्ते में एक दिन बंक मार ही लेते थे आप लोग? जाना गाजियाबाद टू दिल्ली बहुत अच्छा लगता था, फिर उधर से वापस आने में, फिर वहाँ का मतलब दिल्ली घूमने में भी बहुत अच्छा लगता था हम लोग, रेड फोर्ट लाल किला मतलब बहुत अच्छा लगता था घूमने में वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा कोई और बढ़िया है कोई किस्सा आपके पास हो जो आप हमारे लिसनर्स को सुना सकें? एक है बचपन का सबसे बड़ा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, जब मैं सेवेंथ क्लास का पेपर दे रहा था, सेवेंथ क्लास में, तो पेपर पे जब गाय जो गाय है ना गाय पे होता है इससे लिखना था। हाँ, हाँ, गाँव पे जो ऐसे लिखते हैं। हाँ, वो संस्कृत में, संस्कृत सब्जेक्ट में लिखना था। अच्छा, तो उस वो इससे याद नहीं हो रहा था मेरे को, तो मैंने क्या किया, उस इससे को मैंने एक बहुत छोटी सी चीट पे बना के और अपने हैंड में रख के लिख रहा था, टीचर जैसे ही देगा मैं उसको मुंह में अच्छा अंदर ढाल लिया उसको। अच्छा। वो चीजें अभी भी जहन में याद आती है तो बहुत हंसी आती है, बहुत वापिस। अच्छा। और टीचर बोला जब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने तो उसको अंदर ले लिया। अच्छा। मतलब अपनी आपने बचपन की यादों को, अपने अपने बचपन को बहुत बढ़िया से जिया है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से चंचल जी, बहुत अच्छे तरीके से जिया बचपन।
अभी भी बहुत यादें आती है, बचपन की जो बातें हैं खेलने का उसमें भी बहुत यादें आती है, बचपन की जो गिल्ली डंडे क्रिकेट फुटबॉल ये सब जो है, शाम के टाइम में मैच खेलना बहुत अच्छा लगता था पहले। अच्छा, बचपन के कुछ दोस्त आपके हैं जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, बचपन के मेरे दोस्त है, पीयूष नाम है, वो गाजियाबाद गौशाला फाटक के पास रहता था, उससे हमारी काफी अच्छी दोस्ती थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड था मेरा, अभी भी मेरे से बात होती है उसकी। अच्छा, मतलब अब कंसल्ट खत्म हो गया है? नहीं, थोड़ा नहीं, संपर्क कम हो गया है अभी भी हाँ, अभी भी हम लोग आपस में मिलते हैं कभी कभी संडे में, तो आपस में बचपन की यादों को ताजा करते हैं तो काफी अच्छा लगता है, पुरानी बातों को, वो अपनी बातें सुनाता है बचपन की, हम अपनी बातें सुनाते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ खेलते थे और स्कूलों में साथ में बंक में जाते थे, काफी अच्छा लगता था। तो आप बस यूं ही अपनी बचपन की यादों में खोए रहिए, और जी चंचल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जरा बैठी जो सोची।
तो सुनते रहिए मेरे साथ 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज़।